खबर शामिल करते हैं चकवाल से। चकवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफद की J7 माल चकवाल आमद। J7 के CEO सैयद कर्नल जमशेद काजमी ने मौजूद मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर J7 के सेल्स एग्जीक्यूटिव राजा फुरकान ने मेहमानों को J7 प्रोजेक्ट के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। मौजूद मेहमानों का कहना था कि J7 प्रोजेक्ट चकवाल के लिए गेम चेंजर साबित होगा और इंशाल्लाह इसके बन जाने के बाद चकवाल में तरक्की की राहें खुलेंगी और हम ख्वाहिशमंद हैं कि चकवाल तरक्की करे और J7 के जितने भी जिम्मेदारान लोग हैं कर्नल साहब और उनकी टीम, अल्लाह ताला उनको कामयाबी करे। मैं अभी इनको भी यही बोला है कि इनको अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो चैम्बर इंशाल्लाह हर प्लेटफॉर्म पे, हर स्क्रीन पे इनके साथ बैक पे खड़ा हो। इंशाल्लाह आने वाले 3-4 साल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, टूरिज्म के हवाले से भी और प्रॉपर्टी में भी। आप देखेंगे कि यहाँ पे चकवाल में आपको 4-स्टार होटल्स जो हैं वो नज़र आएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, सुहेल अख्तर फ्रॉम टेक्नोवॉश, एग्जेक्टिव मेंबर हूँ मैं चकवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। और आज हम बहुत J7 मॉल ने आज हमें इनवाइट किया था और अपना इंट्रोडक्शन दिया और हमारे लिए बीइंग अ बिजनेस कम्युनिटी, बीइंग अ चैम्बर बॉडी, हम लोग बहुत वेल विशर हैं कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो चकवाल में पहला प्रोजेक्ट है, हम लोग इसके लिए बहुत नेक ख्वाहिशात रखते हैं और इंशाल्लाह जहाँ तक हमारी सपोर्ट हुई वो सपोर्ट भी करेंगे और ऐसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। और आई एम अमेज्ड कि कुछ हमें प्रेजेंटेशन मिली और ऑफ कोर्स चकवाल में जैसे कि द्राबी डैम में वहाँ पे टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सपोर्ट है कि वहाँ पे टूरिज़्म की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और उससे रिलेटेड यहाँ पे जैसे कि 4-स्टार और 5-स्टार होटल और होटल अपार्टमेंट्स, इवन सर्विस अपार्टमेंट्स इस प्रोजेक्ट में अवेलेबल हैं। तो आई एम अमेज्ड कि चकवाल में ये चीज़ें हमें मिल रही हैं और ऐसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, आगे भी होते रहने चाहिए और हम वेल विशर्स हैं J7 मॉल के, इनकी मैनेजमेंट के।